हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं क्रिएटिव एक्सपर्ट। आज हम देखेंगे कि वीरे में ग्रे रेंडर या वाइट रेंडर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जितने भी विंडो के ग्लास हैं उन सभी को ग्रुप बना लेंगे। और इस पर एक ग्लास का मटेरियल बनाकर असाइन कर लेंगे। अब रेंडर सेटअप में जाकर ओवरराइड मटेरियल में एक वीरे मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे एंड ग्लास को एक्सक्लूड कर देंगे। अब रेंडर करके देखते हैं। अभी हमारे सीन में कोई भी लाइट सोर्स नहीं है, इसलिए ये ब्लैक आ रही है। तो लाइट सोर्स के लिए इसके एनवायरनमेंट में वीरे स्काई ले लेते हैं। अब कैमरे की सेटिंग में इसकी आईएसओ एंड शटर स्पीड की वैल्यू सेट कर लेता हूं। अब एक रीजन लेकर रेंडर कर लेते हैं। ओके, अब इसकी रेंडर सेटिंग को थोड़ी सी मॉडिफाई कर लेंगे। इमेज सैम्पलर में बकेट यूज कर लेते हैं और इसकी मिनिमम सब डिवीजन 1 और मैक्सिमम सब डिवीजन 4 ले लेता हूँ। और इसकी जीआई सेटिंग में प्राइमरी इंजन में रेडियंस मैप ले लेंगे और इसकी प्रीसेट को लो सेटिंग पे कर लेंगे। अब रेंडर करके देख लेते हैं। ओवरराइड मटेरियल को अपने मटेरियल स्लॉट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। इसके डिफ्यूज मैप में वीरे डॉट ऐड कर लेंगे। ये हमारे सीन के सभी कॉर्नर पर एक डेप्थ क्रिएट करेगा। मैं अभी इसकी रेडियस को 200 mm ले लेता हूँ और ऑक्लूड कलर और अनऑक्लूड कलर को प्योर ब्लैक एंड प्योर व्हाइट से हटा लेंगे। अब एक रीजन लगाकर रेंडर करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमें एक अच्छी डेप्थ मिल रही है। अब हम अपने इस ग्रे रेंडर को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके एनवायरनमेंट के इफेक्ट में वीरे टून ऐड कर लेंगे। इससे हमारे सीन के सभी कॉर्नर पे एक ब्लैक लाइन क्रिएट हो जाएगी। हम इस लाइन की कलर को चेंज करने के लिए लाइन कलर से कर सकते हैं। अभी मैं इस लाइन की विड्थ और ओपेसिटी को कम कर लेता हूं। ओके, ग्रेट। अब हमारा ग्रे रेंडर रेडी हो गया है। अब इसकी बर्न वैल्यू को अपने फ्रेम बफर के एक्सपोजर से कम कर लेंगे। और अगर आप अपने सीन को डीसैचुरेट करना चाहते हैं तो ह्यू एंड सैचुरेशन की हेल्प से कम कर लेंगे। Thank you so much guys for watching this video. For more tips and tricks, please subscribe this channel. Thank you.